इस्लाम के खिलाफ पोस्ट करने पर सऊदी अरब ने 7 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाले प्रोफेसर नीरज वेदी को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम विरोधी नफरत और इस्लामोफोबिया पोस्ट को लेकर यूएई के बाद अब सऊदी अरब की भी एक यूनिवर्सिटी ने ट्विटर पर अपने नफरत भरे पोस्ट के लिए एक भारतीय प्रोफेसर नीरज वेदी को निकाल दिया है। इसकी जानकारी देते हुए खुद जजान यूनिवर्सिटी ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि विश्वविद्यालय के कुछ सदस्यों ने बताया कि ये आपत्तिजनक पोस्ट और इस्लामोफोबिक ट्वीट कर रहे हैं, इसलिए उनके पंजीकरण को खत्म किया जाता है। जजान यूनिवर्सिटी इस बात की पुष्टि करता है कि ये लोगों में फूट डालने की और आतंकवादी विचारों के ख्याल रखते हैं, जो हमारी पॉलिसी को प्रभावित करता है और अच्छे नेतृत्व और निर्देशों का उल्लंघन करता है। ख्याल रहे कि प्रोफेसर नीरज वेदी सऊदी अरब के जजान यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर थे। इनकी सैलरी 35,000 रियाल सैलरी थी। इंडियन मनी की बात की जाए तो 7 लाख रुपए सैलरी बनती है। सऊदी अरब में रहकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि इन दिनों सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के कई हिस्सों में मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों को लेकर कई भारतीयों को नौकरियों से निकाला जा चुका है और कईयों को जेल भी भेजा जा चुका है। आप सभी से भी गुजारिश है कि आप भी अपना राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद खबरों को देखने का आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें ट्विटर पर फॉलो और फेसबुक पेज पर लाइक भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।